जरूरी है टेम्पलेट टू इम्पोर्ट परचेस बिल। एक्मे इनसाइट ने परचेस बिल इम्पोर्ट करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है। परचेस बिल इम्पोर्ट करने से बिल की एंट्री मैन्युअली करने का आपका टाइम बच जाता है और बिल सॉफ्टवेयर में आप जल्द, आसान और अचूक तरीके से ऐड कर सकते हैं। परचेस बिल इम्पोर्ट करने के लिए कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट्स पहले से ही एक्मे इनसाइट सॉफ्टवेयर में डिफाइन किए गए हैं। इन फिक्स्ड फॉर्मेट्स के अलावा अगर आपके सप्लायर से आपको CSV फॉर्मेट में परचेस बिल की फाइल आती है तो ऐसे फॉर्मेट्स के लिए आप परचेस बिल टेम्पलेट से इम्पोर्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट क्रिएट करना इतना आसान है कि यह आप खुद भी बना सकते हैं। टेम्पलेट क्रिएट करने की प्रोसीजर ये वन टाइम होती है, जिससे अगर स्पेसिफिक सप्लायर के लिए टेम्पलेट आपने बनाया होगा तो अगली बार उसी सप्लायर के लिए टेम्पलेट क्रिएट ना करते हुए बिल्स आप सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं टेम्पलेट तैयार कैसे करते हैं। टेम्पलेट तैयार करने के लिए एक्मे इनसाइट विंडो में मेन्यू बार से बिलिंग मेन्यू पर क्लिक कर दें, इम्पोर्ट बिल्स फ्रॉम सप्लायर, इम्पोर्ट परचेस बिल फ्रॉम टेम्पलेट, इस सब मेन्यू पर क्लिक करें। टेम्पलेट फॉर इम्पोर्ट परचेस बिल ये विंडो ओपन हो जाएगी। सर्च बॉक्स में 169 ये नंबर टाइप करने से भी टेम्पलेट फॉर इम्पोर्ट परचेस बिल ये विंडो आप ओपन कर सकते हैं। आइए अब हम राइट हैंड साइड में दर्शाया गया एक परचेस बिल जो कि .csv फॉर्मेट में है, उसका टेम्पलेट तैयार कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। नया टेम्पलेट बनाने के लिए कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करें या फिर इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। इंसर्ट बटन पर क्लिक करने से आप हेडर, इन्वेंट्री और फुटर ये तीन टैब्स देख पाएंगे। इन तीनों टैब्स में जो कोई फील्ड्स के सामने स्टार मार्क किया गया है वो सभी फील्ड्स मैंडेटरी हैं। सबसे पहले हम हेडर टैब में मौजूद फील्ड्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानेंगे। बिल नंबर, आपके सप्लायर से आई CSV फाइल में बिल नंबर ये कौन से सेल में मौजूद है वो बिल नंबर आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। एक्सेल में मौजूद बिल नंबर के सेल की वैल्यू आपको यहाँ डालनी होती है। अगर आपके सॉफ्ट कॉपी में दिए गए कॉलम्स आप समझ नहीं पा रहे हो तो सप्लायर से आई हुई परचेस बिल की हार्ड कॉपी आपके सामने रखकर इन कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, जिससे कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन समझना आसान हो जाएगा। वैल्यू इंसर्ट करने के लिए बिल नंबर के सामने दिए गए बटन पर क्लिक करें, सिलेक्ट वैल्यू में फ्रॉम एक्सेल पर क्लिक करें। कॉलम नंबर और रो नंबर ये दो फील्ड्स आप देख पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कॉलम्स ये वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, तो एक्सेल फाइल में बिल नंबर ये कौन से कॉलम में है ये हम देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल के हार्ड कॉपी में बिल नंबर ये 82326 है और सॉफ्ट कॉपी में 82326 ये हम बी कॉलम में देख पा रहे हैं। तो अब हम ये कॉलम नेम कॉलम इस फील्ड में एंटर करते हैं। रो नंबर, जैसे कि हम जानते हैं रोज ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं, तो एक्सेल फाइल में बिल नंबर ये कौन से रो में है ये हम ये देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 82326 ये हमारा बिल नंबर है जो कि फर्स्ट रो में दिया गया है, तो अब हम ये रो नंबर रो इस फील्ड में एंटर करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं। रो और कॉलम सिलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग में ऑटोमेटिकली F ये कैरेक्टर सॉफ्टवेयर ले लेता है, जहां F फॉर फिक्स डेटा कहा जाता है। बिल डेट, इसी तरीके से एक्सेल शीट में बिल डेट जिस सेल में मौजूद है उस सेल का कॉलम नेम और रो नंबर आपको यहां एंटर करना है। अब जैसे हमारे पास मौजूद परचेस बिल के हार्ड कॉपी में डेट ये 2618 है और सॉफ्ट कॉपी में हम ये डेट C1 सेल में देख पा रहे हैं, तो ये वैल्यू एंटर करने के लिए हम बिल डेट के सामने दिए गए बटन पर क्लिक करते हैं, फ्रॉम एक्सेल सिलेक्ट करके कॉलम नेम और रो नंबर टाइप करके ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब बिल डेट के सामने सेल की वैल्यू आप देख पाएंगे। अब एंटर की प्रेस कर दें। बिल डेट फॉर्मेट, जैसे कि हम जानते हैं डेट ये अलग अलग तरीके से एंटर की जा सकती है, जैसे कि DD, MMYY, MMYY, YYYY, MMDD या इत्यादि। आपके सप्लायर से आए एक्सेल शीट में बिल डेट का जो फॉर्मेट आया है वही फॉर्मेट यहाँ एंटर कर लें। आपके मार्गदर्शन के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ दर्शाए गए हैं। फाइल में आए हुए डेट के अनुसार एप्रोप्रिएट फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करके बिल डेट फॉर्मेट इस फील्ड में टाइप कर दें। अगर हम एक्सेल फाइल में देखते हैं तो डेट ये हमें DD MMYY इस फॉर्मेट में रिसीव हुई है। सॉफ्टवेयर में दर्शाए गए फॉर्मेट्स में से पहले फॉर्मेट से मैच होती है, तो हम डे इस फील्ड में 1-2 ये नंबर टाइप करते हैं, जिसका मतलब है पहले दो जो डिजिट्स है वो डेट रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा डिजिट स्लैश है, तो हम ये थर्ड डिजिट ना कंसिडर करते हुए फॉर्मेट के सामने दिए गए एग्जाम्पल के अनुसार फोर्थ
और फिफ्थ ये डिजिट मंथ रिप्रेजेंट करता है, तो हम मंथ इस फील्ड में 4-5 ऐसे टाइप करते हैं। सिक्स्थ डिजिट फिर से स्लैश है, तो स्लैश ना कंसिडर करते हुए सेवेंथ और एट्थ डिजिट जो कि ईयर रिप्रेजेंट करते हैं, हम ईयर इस फील्ड में 7-8 ये नंबर टाइप कर देते हैं। इस तरह से आपके फाइल में आए हुए बिल डेट के अनुसार एप्रोप्रिएट फॉर्मेट सॉफ्टवेयर में से सिलेक्ट कर लें और संबंधित नंबर्स डे मंथ ईयर इन फील्ड्स में टाइप कर दें। इसी तरीके से हेडर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब हम परचेज बिल में मौजूद आइटम डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेंट्री फॉर्म में होती है उसके बारे में जानेंगे। इन्वेंट्री टैब पर क्लिक कर दें। स्टार्टिंग रो, इस फील्ड में आइटम नेम जिस रो से स्टार्ट हुआ है वो रो नंबर यहाँ पर टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल कुछ फाइल्स में आइटम नेम ये फर्स्ट रो से स्टार्ट होता है, तो कुछ फाइल्स में आइटम नेम ये सेकेंड रो से स्टार्ट होता है या इत्यादि। अब हमारे पास मौजूद फाइल में आइटम नेम ये सेकेंड रो से स्टार्ट हुआ है, तो हम स्टार्टिंग रो में 2 ये नंबर टाइप करते हैं। अब एंटर की प्रेस कर दें। एंडिंग रो, एक्सेल शीट में अवेलेबल डेटा में से इन्वेंट्री का डेटा लास्ट रो तक है या नहीं एक बार चेक कर लें। अब जैसे हमारे पास मौजूद फाइल में लास्ट रो इन्वेंट्री की ना होते हुए बिल अमाउंट दी गई है और इसके ऊपर के रो में इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन एंड हो रही है, तो इसीलिए हम एंडिंग रो में लास्ट 2 सिलेक्ट करते हैं। आइटम नेम, इस फील्ड में आइटम नेम जिस कॉलम में दिया गया है वो कॉलम नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अब जैसे हमने बिल नंबर के लिए सेल मतलब ही रो और कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट की थी, बट यहाँ आइटम नेम के लिए हमें सिर्फ कॉलम का नाम एंटर करना होगा क्योंकि एक बिल में मल्टीपल आइटम्स होते हैं, इसलिए हमें यहाँ रो और कॉलम ना सिलेक्ट करते हुए सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करना होगा। कॉलम नेम एंटर करने के लिए हम आइटम के सामने मौजूद बटन पर क्लिक करते हैं। फ्रॉम एक्सेल सिलेक्ट करके कॉलम नंबर के सामने बी टाइप करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं। वैल्यू ऐड करने के बाद जैसे कि हमने पहले भी देखा था एफ फॉर फिक्स डेटा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर एंटर कर लेगा। बैच, इसी तरीके से बैच जिस कॉलम में दिखाई गई है वो कॉलम नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। एक्सेल शीट में बैच ये डी कॉलम में है, तो हम इस फील्ड में डी ये कॉलम टाइप कर देते हैं। बारकोड, फाइल में कंपनी प्रिंटेड बारकोड प्रोडक्ट के अगेंस्ट आया होगा तो वो संबंधित प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप बारकोड सेव करके रख सकते हैं। क्वांटिटी, फाइल में प्रोडक्ट क्वांटिटी जिस कॉलम में आई है वो कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अब जैसे सॉफ्ट कॉपी में क्वांटिटी ये एच कॉलम में आई है तो हम क्वांटिटी के सामने एच टाइप कर देते हैं। फ्री क्वांटिटी, अगर कोई फ्री क्वांटिटी मिली होगी तो फ्री क्वांटिटी का कॉलम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी परसेंटेज, जीएसटी परसेंटेज के सामने एक हेल्प बटन दिया गया है, उस बटन पर क्लिक करके आप जीएसटी परसेंटेज की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जीएसटी परसेंटेज की इन्फॉर्मेशन आप दो तरीके से एंटर कर सकते हैं, एक मतलब फिक्स्ड कॉलम और दूसरा मतलब कैलकुलेटेड कॉलम। पहले तरीके के अनुसार अगर आपके एक्सेल शीट में डायरेक्टली जीएसटी परसेंटेज का कॉलम 12% 18% ऐसा आया होगा तो आप यहाँ डायरेक्टली कॉलम नेम टाइप कर सकते हैं। यहाँ दिए गए एग्जाम्पल के मुताबिक अगर जीएसटी परसेंटेज ये के कॉलम में आया होगा तो कॉलम नेम इस फील्ड में आपको के ऐसे टाइप करना होगा। एफ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर एंटर कर लेता है, जहां एफ फिक्स डेटा रिप्रेजेंट करता है और के जो कि जीएसटी परसेंटेज का कॉलम नेम है। दूसरे तरीके के अनुसार अगर आपके एक्सेल शीट में डायरेक्टली टोटल जीएसटी परसेंटेज का कॉलम ना आते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी परसेंटेज अलग अलग आए हैं तो जीएसटी परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको यहाँ तैयार करना होगा। जैसे कि परचेस बिल के हार्ड कॉपी में आप देख सकते हैं कहीं पे भी टोटल जीएसटी परसेंटेज का कॉलम डायरेक्टली ना होते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कॉलम आप देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में दिखाए गए एग्जाम्पल के अनुसार हमें फॉर्मूला बनाने के लिए सी ये वेरिएबल लेना होगा जो कि कैलकुलेटेड कॉलम रिप्रेजेंट करता है। सी टाइप करके राउंड ब्रैकेट में सीजीएसटी परसेंटेज कॉलम, मतलब एक्सेल शीट में जिस कॉलम में आप सीजीएसटी परसेंटेज देख पा रहे हैं वो कॉलम नेम यहाँ पर टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल फाइल में सीजीएसटी परसेंटेज ये के कॉलम में दिया गया है तो हम इस राउंड ब्रैकेट में के ऐसे टाइप कर देते हैं। अब प्लस साइन देकर एसजीएसटी कॉलम नेम मतलब एल टाइप करके हम राउंड ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से सीजीएसटी परसेंटेज और एसजीएसटी परसेंटेज इन कॉलम्स में मौजूद वैल्यूज के टोटल होकर बिल इंपोर्ट करने के बाद जीएसटी परसेंटेज इस कॉलम में आपको दिखाई देगी।
ऑल्दो जीएसटी परसेंटेज ये कॉलम मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप इन फील्ड्स की वैल्यू सेट कर देंगे तो इसका एडेड एडवांटेज है, जैसे फाइल इंपोर्ट करते वक्त सप्लायर से आए हुए आइटम्स का जीएसटी परसेंटेज और एक्मे सॉफ्टवेयर में मौजूद आइटम्स का जीएसटी परसेंटेज ये मैच नहीं हो रहा है, तो इंपोर्टिंग के वक्त ऐसे आइटम्स आपको अलग अलग कलर्स में दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर जीएसटी परसेंटेज मैच नहीं होते हैं तो आपके बिल की नेट अमाउंट भी मैच नहीं हो पाएगी। इसीलिए जीएसटी परसेंटेज कॉलम की वैल्यू भरने से मिसमैच जीएसटी परसेंटेज वाले आइटम्स आप क्विकली और इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपके सॉफ्टवेयर में दिए गए कॉलम्स आप समझ नहीं पा रहे हो तो सप्लायर से आई हुई परचेस बिल की हार्ड कॉपी आपके सामने रख कर इन कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, जिससे कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन समझना आसान हो जाएगा। परचेस रेट, अब परचेस रेट का कॉलम की वैल्यू यहाँ पर टाइप कर दे। सेल्स रेट, यहाँ एक्सेल शीट में से सेल्स रेट का कॉलम का नाम टाइप कर लें। अगर आप सेल्स रेट ये एमआरपी से करते हैं तो एमआरपी कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ एमआरपी कॉलम का नाम टाइप कर लें और एमआरपी के सामने भी एमआरपी का ही कॉलम सिलेक्ट कर लें। इसी तरह से अब एक्सपायरी डेट, आइटम वाइज डिस्काउंट आया होगा तो आइटम डिस्काउंट परसेंटेज और आइटम डिस्काउंट अमाउंट इन कॉलम्स की वैल्यू ऐड कर लें। ग्रॉस अमाउंट, जैसे हमने जीएसटी परसेंटेज कॉलम ऐड करने के दो तरीके देखे थे, उसी तरह से अगर ग्रॉस अमाउंट का फिक्स्ड कॉलम एक्सेल शीट में आया होगा तो आप डायरेक्टली कॉलम नेम टाइप कर सकते हैं, या फिर ग्रॉस अमाउंट के लिए फिक्स्ड कॉलम नहीं होगा तो आप ये अमाउंट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूलास दिए गए हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला के अनुसार आपको सी टाइप करना होगा, राउंड ब्रैकेट में एक्सेल शीट में क्वांटिटी जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम का नाम, जैसे कि हमारे एक्सेल शीट में क्वांटिटी ये एच कॉलम में है तो हम यहाँ सी टाइप करके राउंड ब्रैकेट में एच टाइप करते हैं इनटू रेट कॉलम, जो कि एक्सेल शीट के हिसाब से जी इस कॉलम में दिया गया है, तो जी टाइप करके कॉलम का नेम टाइप करके हम राउंड ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। अब एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर ले। अगर आपका गारमेंट का बिजनेस है और आपके फाइल में प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट साइज, कलर, ब्रांड जैसे एट्रीब्यूट्स इंपोर्ट करने होंगे तो सेट एट्रीब्यूट इस बटन पर क्लिक करें। अब इन्वेंटरी ब्लॉक के फील्ड्स ऐड करने के बाद हम फुटर टैब पर क्लिक करते हैं। डिस्काउंट अमाउंट, अगर आपको पूरे बिल पर कुछ डिस्काउंट आया होगा तो हेल्प बटन पर क्लिक करके आप कॉलम का नेम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं या डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस तरह से जीएसटी अमाउंट और नेट अमाउंट डायरेक्टली या कैलकुलेट करके कॉलम्स यहां से ऐड कर लें। अब टेम्पलेट की सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके टेम्पलेट सेव कर लें। अब सेव किया गया टेम्पलेट आपको टेम्पलेट नेम इस लिस्ट में दिखाई देगा। इस तरह से परचेस बिल इंपोर्ट करने के लिए आप टेम्पलेट बना सकते हैं। अब टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद बिल इंपोर्ट करने के लिए टेम्पलेट सिलेक्ट करके इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर दें। इंपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सीएसवी फाइल सिलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक करें। सिलेक्ट सप्लायर इस विंडो में से जिस सप्लायर का ये बिल है उस सप्लायर का नाम लिस्ट में से सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर दें। इस तरह से टेम्पलेट क्रिएट करके आप बिल सीएसवी फाइल में से इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल इंपोर्ट करने से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए इंपोर्ट परचेस बिल की वीडियो रेफर करें। अपडेट बटन पर क्लिक करके टेम्पलेट में आप चेंजेस कर सकते हैं। डिलीट बटन पर क्लिक करके आप टेम्पलेट डिलीट कर सकते हैं और कॉपी बटन पर क्लिक करके टेम्पलेट आप कॉपी भी कर सकते हैं। इस तरह से आप परचेस बिल इंपोर्ट करने के लिए टेम्पलेट बना सकते हैं। इस तरह से एक्मे इंसाइट सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट क्रिएट करने से कम समय में अप्रोप्रिएट और अचूक तरीके से आप परचेस बिल इंपोर्ट कर सकते हैं।